कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जो अपने शौक पूरे करने के लिए अपने बॉस के साथ ही गप अगप करती है। अब आगे उसके बीच कब कब और क्या क्या होगा वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम मैरी को देखते हैं जो कि एक स्कूल गर्ल है और फिलहाल वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी। आगे हम मैरी को उसकी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। मैरी के फैमिली में उसके मॉम डैड और उसके दो छोटे भाई डेविड और पीचो शामिल है। वो सब एक चीप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन पैसों की कमी को लेकर उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। तो अगले दिन मैरी के डैड उसे अपने साथ लेकर ऑफिस में चले जाते हैं ताकि उनके बॉस मैरी को किसी अच्छे से जॉब पर रख ले। मैरी के डैड एंटोनियो का बॉस फ्रैंक एक ओल्ड एज रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। यहाँ पे एंटोनियो अपने बॉस से रिक्वेस्ट करता है कि मैरी के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं तो अगर आप हमारे ऑफिस में उसे किसी जॉब पर रख ले तो हमारी काफी मदद हो जाएगी। फ्रैंक यहाँ पर इन दोनों से काफी अच्छे से बात करता है और मैरी की क्वालिफिकेशन पूछने पर फ्रैंक को पता चलता है कि मैरी शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट भी है, जिस वजह से फ्रैंक मैरी को अपने ऑफिस में रखने के लिए तैयार हो जाता है। मैरी के एग्जाम खत्म होने के बाद फ्रैंक मैरी को अपने ऑफिस में बुलाता है और अपनी सेक्रेटरी मैथ्रीसा से भी मिलवाता है जो कि मैरी को उसके सारे काम समझा देती है। वापस घर आने के बाद मैरी अपनी मॉम को बताती है कि उसे जॉब पर रख लिया गया है और कल मेरा ऑफिस में पहला दिन है। ये सुनकर मैरी की मॉम काफी खुश हो जाती है। अब पहले दिन ही ऑफिस के कामों में मैरी देर रात तक ऑफिस में लेट हो जाती है तो उसके बॉस फ्रैंक उसे घर छोड़ने आते हैं और साथ ही उसकी मॉम और डैड से भी मिलते हैं। उनके घर की खस्ता हालत को देख कर फ्रैंक एंटोनियो से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ऐसी जगह पर रहते हो, लेकिन तुम फिक्र मत करना मैं जल्द ही इसका कोई इंतजाम करूंगा। अब अगले दिन ऑफिस में फ्रैंक मैरी को एक पेंडेंट गिफ्ट देता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि मैंने तुम लोगों के लिए एक नया फ्लैट खरीदा है जो 2-3 हफ्तों में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब रात को मैरी फिर से लेट हो जाती है। अब उसके बॉस उसे घर छोड़ने से पहले अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं जहाँ पर वो बातों ही बातों में मैरी के करीब आने की कोशिश करता है। अब एक काम के सिलसिले में फ्रैंक 2 दिनों के लिए लंदन चला जाता है और वापस आने के बाद वो मैरी को एक गिफ्ट देता है जो कि वो मैरी के लिए लंदन से लाया था। उधर मैरी की फैमिली नए अपार्टमेंट में अपना सामान शिफ्ट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में फ्रैंक मैरी से कहता है कि मुझे फिर से 2 दिनों के लिए लंदन जाना होगा लेकिन इस बार मेरी सेक्रेटरी की हालत कुछ ठीक नहीं है तो क्या उसकी जगह तुम मेरे साथ लंदन जा सकती हो। अब इस बात को लेकर मैरी के डैड को थोड़ी फिक्र होती है लेकिन मैरी की मॉम को इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। मैरी फ्रैंक के साथ लंदन चली जाती है। यहाँ पर काफी ज्यादा घूमने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर फ्रैंक मैरी को काफी ज्यादा ड्रिंक पिलाता है जिसके बाद वो दोनों थोड़ी शॉपिंग कर अपने होटल रूम में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर मैरी अपने नए ड्रेस को ट्राई करती है तभी फ्रैंक मैरी के पास आकर उसके साथ लव लपाटा करने लगता है। मैरी को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो फ्रैंक उससे कहता है कि मैं तो पहले दिन से तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मगर शायद यहाँ पर प्रेशर में आकर मैरी फ्रैंक से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ गपागप भी करते हैं। वापस आते समय फ्रैंक मैरी को समझाता है कि हमें हमारे इस रिलेशन को एक सीक्रेट रखना होगा जो सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा। तो मैरी बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब एक संडे के दिन मैरी अकेले घर पर बोर हो रही थी तो वो घूमने के लिए बाहर चली जाती है जहाँ पर वो फ्रैंक को उसकी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए देखती है। अब ये सब कुछ मैरी को काफी अजीब लग रहा था। अगले दिन वो दोनों एक होटल रूम में मिलते हैं जहाँ पर मैरी फ्रैंक से कहती है कि मैं तो कल घर पे अकेली बोर हो रही थी जबकि तुम अपनी वाइफ के साथ काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फ्रैंक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मुझे एक मजबूरी की वजह से शादी करनी पड़ी थी। अब अगले दिन फ्रैंक किसी काम की वजह से ऑफिस नहीं आया था तो मैटिल्डा और मैरी लंच करने के लिए पास वाले रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात लिनोरा नाम की एक लड़की से होती है। मैरी के पूछने पर मैटिल्डा उसे बताती है कि लिनोरा भी तुम्हारी तरह मिस्टर फ्रैंक के लिए काम किया करती थी जिसको लेकर अब मैरी को मिस्टर फ्रैंक पर थोड़ा शक होने लगता है। अगले दिन ऑफिस में कार्गो नाम का जर्नलिस्ट मिस्टर फ्रैंक से मिलने आता है। यहाँ पर कार्गो मैरी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। शाम को होटल रूम में मिलने पर मैरी फ्रैंक से लिनोरा के बारे में पूछती है लेकिन फ्रैंक फिर से उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। अगले दिन शाम को मैरी अपने दोनों भाइयों के साथ पूल में नहाने चली जाती है जहाँ पर मैरी की मुलाकात फिर से उस जर्नलिस्ट कार्गो से होती है। अब कार्गो पीच और डेविल को घर छोड़ने के साथ साथ मैरी को उसके बॉस के अपार्टमेंट तक लिफ्ट भी देता है। यहाँ पर मैरी फ्रैंक को कार्गो के बारे में बताती है जिसे लेकर फ्रैंक बिल्कुल भी जेलस नहीं होता और साथ ही मैरी से कहता है कि तुम किसी भी लड़की के साथ घूम सकती हो। ये सुनकर मैरी को लगता है कि शायद फ्रैंक उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है तो वो अब कार्गो के साथ समय बिताना शुरू कर देती है। एक रात कार्गो मैरी को प्रपोज करता है लेकिन मैरी उसे कहती है कि तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हो। अब 2 दिनों से मैरी पूल पर नहीं आ रही थी तो कार्लो को पीछे से पता चलता है कि मैरी 2 दिनों के लिए अपने बॉस के साथ लंदन गई हुई है। तो 2 दिनों के बाद कार्गो मैरी को लेने एयरपोर्ट चला जाता है जहाँ पर फ्रैंक उन दोनों को एक साथ देख लेता है। फ्रैंक को उन दोनों से अब जेलस फील होने लगा था तो वो ऑफिस में मैरी को डांटना शुरू कर देता है लेकिन उधर मैरी को कार्गो के साथ समय बिताना काफी अच्छा लगता था। एक रात फ्रैंक मैरी से कहता है कि तुम्हें कार्गो के साथ नहीं घूमना चाहिए क्योंकि शायद वो तुमसे प्यार नहीं करता, जिसके बाद फ्रैंक
बिना मैरी के मन के उसके साथ गपागप करता है। अब बेचारी मैरी पूरी तरह से फंस चुकी थी तो वो अपना सारा सच कार्गो को बता देती है। अब कार्गो इस बात से अपसेट होकर मैरी को घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब कार्गो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उधर कार्गो को लेकर मैरी भी काफी परेशान थी। कुछ दिनों बाद कार्गो मैरी से मिलता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसका जवाब देते हुए मैरी कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं कल ही ऑफिस में रिजाइन दे दूंगी। ये बात सुनकर मैरी के मॉम डैड काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उनके हाथ से उनका ये घर छिन जाएगा। अगले दिन मैरी फ्रैंक को अपना रिजाइनिंग लेटर दे देती है, लेकिन फ्रैंक उससे कहता है कि जब तक तुम्हारा लिया हुआ लोन पूरा नहीं होता तब तक तुम कंपनी से रिजाइन नहीं दे सकती। यानी कि अब मैरी काफी बुरी तरह से फंस चुकी थी। कुछ दिनों बाद फ्रैंक को एक पार्टी में सबसे अच्छे रियल स्टेट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया जाता है, जहां पर मैरी और उसकी फैमिली और एज अ जर्नलिस्ट कार्गो भी मौजूद था। फ्रैंक की तरक्की को देखकर कार्गो ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था, जिसके बाद ड्रिंक के नशे में कार्गो सबके सामने कहता है कि फ्रैंक एक बहुत ही बुरा आदमी है जो पैसे के बदले अपने अंडर एज एम्प्लॉय को अपने साथ घपाघप करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन तभी कुछ गार्ड्स आकर कार्गो को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद फ्रैंक अपनी स्पीच शुरू करता है। यानी कि कार्गो की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मैरी अब पार्टी से भागकर कार्गो के पास चली जाती है, यानी कि अब वो दोनों मिलकर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।